हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेडर स्काई ब्लॉक। एंड इस स्काई ब्लॉक के अंदर हमें सब कुछ सारे आइटम्स हमें ट्रेड करके मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक बेडरॉक के ऊपर स्पॉन किया जाता है एंड उसके ऊपर एक चेस्ट है, यहाँ पर एक बटन है जो कि हमें शॉप के सामने ले जाता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी एंड तक देखना, तभी मैं आपको सारी डाउनलोडिंग प्रोसेस बता दूंगा। एंड अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई सा भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करना। सो अभी मैं इस चेस्ट के अंदर खोल लेता हूँ। इस चेस्ट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने शॉप के अंदर। एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इस मैप को किसने बनाया। एंड यहाँ पर देखिए, हम सारी आइटम्स को इकट्ठा कर सकते हैं एमरल्ड्स की मदद से। एंड यहाँ पर हम नेदर स्टार को भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आगे भी है कुछ कुछ। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा कुछ सामान। एंड यहाँ पर हम रैंडम आइटम्स भी कलेक्ट कर सकते हैं 5 एमरल्ड्स की मदद से। एंड यहाँ पर पता नहीं क्या है, कंट्रोलर आई थिंक इज ये डिफ़िकल्टी सेट करने के लिए। एंड यहाँ पर हमें बुक शेल्फ रखना पड़ेगा पता नहीं क्यों। एंड ये जो आपको बॉट टाइप का दिख रहा है उससे हम अपने वापस अपने वो आइलैंड्स के ऊपर जा सकते हैं। तभी मैं अपने मेन आइलैंड पे चलता हूँ, तो इसे हम टॉक करना पड़ेगा, फिर टेलीपोर्ट टू आइलैंड। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने आइलैंड के ऊपर वापस लौट चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं अपने लिए एक ट्री ग्रो कर लेता हूँ, क्योंकि लिए हमें ट्री से ही अपना सारा टूल्स बनाना पड़ेगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब जब भी यहाँ पर एक भी ओक का सैपलिंग लगाओगे उसे एक ब्लॉक दूर लगाना, नहीं तो फिर अगर वो ग्रो करेगा तो फिर आप गिर जाओगे। एंड यहाँ पर मैंने इसे बोन मिल की मदद से बड़ा कर लिया। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक तो क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। एंड अगर आप इस लॉक को ब्रेक कर रहे हो तो बस आप ध्यान रखना कि आप लास्ट वाला ब्लॉक को मत ब्रेक करो, नहीं तो फिर आपका ये वाला लीफ मुरझाने लगेगा एंड आपका जो भी सैपलिंग मिलेगा वो सब वेस्ट हो जाएगा वॉइड में गिर के। सो अभी मैंने जो जो स्लैब्स बनाया ना, मैंने इस जगह पर लगा देता क्योंकि लिए मुझे वॉइड से बाहर गिरना नहीं है। एंड मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। एंड मैं उसे कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ क्योंकि लिए अगर आप रात को खेलोगे तो आपके यहाँ पर मॉब स्पॉन हो जाएंगे। एंड अगर आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि हाफ ब्लॉक्स के ऊपर मॉब स्पॉन नहीं होते। जैसे कि ये डर्ट ब्लॉक है, इसका हाफ ब्लॉक ये वाला जो स्लैब है ना वो कवर कर रहा है, तो इसके ऊपर मॉब स्पॉन नहीं होते। एंड स्टेयर्स के ऊपर भी मॉब स्पॉन नहीं होते। तो आप भी कुछ इस तरीके से लगाना। एंड अभी मैं जल्दी जल्दी ये सारे वर्ड्स को ब्रेक करके आप सभी लोगों से मिलता हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ टूल्स भी बना लेता हूँ। सो मैंने पुराने वाले ट्री को काट लिया था एंड अभी मैं ये दूसरे वाले ट्री को भी जल्दी जल्दी से ग्रो कर लेता हूँ। एंड ये देखो ग्लिस, मैं बेडरॉक के अंदर घुस गया था। एंड ये वाला मेरा लास्ट ट्री है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में डाउनलोडिंग प्रोसेस बता दूंगा कि इसे कैसे डाउनलोड करना है। एंड आप इस मैप में आई थिंक शायद से आप वुड्स को ब्रेक करके, मतलब कि वुड्स का ट्रेड करके आप एमरल्ड्स ले सकते हो शायद से, मुझे नहीं पता। एंड अभी मैं इस आइलैंड को भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर सैपलिंग्स भी बहुत सारे गिर रही है एंड यहाँ पर अभी तो रात होने वाला है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी इस आइलैंड को एक्सटेंड कर लेता हूँ। सो बस मेरे पास 9 स्लैब्स बाकी है, आई थिंक ये कवर हो जाएगा। एंड मेरे पास और 2 स्लैब्स बाकी है। सो अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। सो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है एंड मैंने आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस अभी बता देना। सो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जा, फिर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, फिर आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, फिर आपको ये दिख रहा है ना tradersskyblock.mcworld, ये वाला जाते ईजी लिंक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर आप इसे डाउनलोड कर लो, तो फिर मैं डाउनलोडिंग करने के बाद मिलता हूँ। तो मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर आप जब अपने फाइल मैनेजर है उसे फाइंड करो तो ये रहा वो वाला। एंड नॉर्मली सारे फोन्स में इसके ऊपर क्लिक करने से आपका ये वाला वर्ल्ड इंपोर्ट हो जाता है माइनक्राफ्ट में। आपका ऑटोमेटिकली माइनक्राफ्ट ओपन होकर ये वाला वर्ल्ड इंपोर्ट हो जाता है। एंड अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आप फाइल मैनेजर उस फाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसे कर लो कॉपी। तो मैंने कॉपी कर लिया।
फिर आपको जहाँ पर भी आपका गेम्स वाला फोल्डर होता है आप उसे फाइंड कर, तो मेरा तो इंटरनल स्टोरेज ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद गेम्स विनकॉम डॉट मोजन, देन माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स में जाना। तो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को ओपन करके यहाँ पर कर देना कॉपी है। सो कॉपी हेयर करने के बाद आपको वहाँ पर वर्ल्ड आपको शो हो जाएगा, वो वाला वर्ल्ड जो कि आपने कॉपी किया। फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर आपको ये वाला जो भी वर्ल्ड है ये आपका शो करने लगेगा माइनक्राफ्ट गेम के अंदर। आपको ऑटोमेटिकली माइनक्राफ्ट खुल जाएगा जैसे कि मेरा खुला। लेवल इंपोर्ट स्टार्टेड होकर लेवल इंपोर्ट फिनिश सक्सेसफुली दिखा देगा आपको। फिर आप ये देखिए ट्रेडर स्काई ब्लॉक यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है एंड ये वाला न्यू वर्ल्ड है। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड मेरे 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सून मेरे 200 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। सो अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई सा भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी बता सकते हो कि आपको क्या इशू आ रहा है। सो ये देखो, ये पता नहीं क्या है बट इसका मैप का रूल, अगर आप यहाँ से गिरोगे तो फिर आप वापस स्पॉन हो गए अपने वही स्पॉन पॉइंट में जो कि चेस्ट, एंड मैं मर चुका हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही।